आज मोहम्मद समीर खान फिर से एक प्रॉपर्टी देखने गए थे और फैमिली को जो सूट होगा ना वो आज देखा, दिल गार्डन गार्डन हो गया। प्राइस बता, प्राइस क्या बोल रहे? 3 के ऊपर ही। 3 करोड़। आज भी सुबह जल्दी उठना नामुमकिन है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। अभी मेरा ब्लॉग एडिट करके कंप्लीट हुआ है, अपलोड पे लगाया हूँ मैं। मैंने ये तो सोचा है कि ये जब ट्रैवल पे निकलेंगे तो ठीक हो जाएगा, बट एक इलाज मेरे दिमाग में और आया है। अगर मैं आर्य को एक मैसेज डालूं कि भाई मुझे सुबह उठा देना और कैमरा ऑन करके उठाना और देखना मैं उठता है कि नहीं उठता हूं। जब मैं सोता हूं ना तो मुझे कोई उठा नहीं पाता है, कोई नहीं। मैं सो गया। अगर कैमरा चालू करके मैं उसको बोलूं उठाने के लिए, जो भी आप देखोगे कल वो एकदम नेचुरल होगा, प्योर। आर्या वंटा है, सुबह लगभग 11:30-11 बजे तक आ जाना और कैमरा ऑन करके मुझे उठाना। आर्या वंटा है, एक काम करना, अब देखते हैं सुबह क्या होता है। सोचा हूँ उठना है, बट जब उठूंगा ही नहीं मैं और वो मॉर्निंग वाली लाइफ जीऊंगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ या नहीं। उठना तो जरूरी है ना, जो बॉडी क्लॉक बना है रमजान के टाइम रात को जागने वाला, उसको तोड़ना तो जरूरी है ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रमजान में बना, ये उससे पहले भी था। मतलब उससे पहले भी मैं रातों को ज्यादा जागा हूँ, बट इच्छा है सुबह उठने की। गुड मॉर्निंग बाबा, उठा उठा 12 बज ले था। कितने बजे सोने गए थे? टाइम का पता नहीं चला। गुड मॉर्निंग, ये उठने वाला काम तो कर गया बट नींद बहुत आ रही है। शुक्रिया दोस्त उठाने के लिए। कोई बात नहीं, एनी टाइम। ठीक है, ओके। अब उठना पड़ेगा, सिर्फ कैमरा के लिए उठेगा, आपको सो जाने का ऐसा नहीं चलेगा। दया जरा इधर आना, लाश मिली है, दाल में कुछ तो काला है इधर। गुड मॉर्निंग ऑल मिस्किन्स, क्या हाल है? बढ़िया, सब एकदम मस्त। गुड, आई एम ऑल्सो गुड, यू गुड, आई गुड। एक लाइट कम क्यों दिख रही है? ठीक है, वेरी गुड। अब तो उठना पड़ेगा बाबा। उठ तो गया हूँ मैं, बस ऐसे ही लेटा था। हाँ बराबर। उठ रहा हूँ। 6 hours later। हेलो नमस्ते, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसके। एमएसके क्या हो गया? क्रेजी चीज हो गया। आर्य आके उठाया, उठाने वाला सीन तो सॉर्ट हो गया, लेकिन जब वो गया तो जो नींद मेरी कंप्लीट नहीं थी मैं उसके बाद सो गया और वो नींद कंप्लीट कर लिया। खैर क्या कर सकते हैं, बस अब एक ही इलाज मेरे को दिख रहा है कि इतना रोज स्ट्रगल करने से अच्छा है कि क्या बोलता है बंदा, 1-2-3 दिन बाहर रह गए हैं आसपास कहीं गांव साइड में, जहां पर लोग टाइम पे सो जाते हैं, टाइम पे उठ जाते हैं, लाइट बुझ जाती है, सूरज देख के उठना, सूरज डूबे तो सोना, ऐसा कुछ नेचर में जाते हैं ठीक करने के लिए अपना स्लीपिंग पैटर्न। कल ही निकल जाता, कल नहीं, कल एक ब्रांड शूट करना है। नहीं कल नहीं, क्या मंडे देखते हैं। खाना आ चुका है मेरा। मैंने इससे पूछा कि गौरव जी कहाँ गए हैं तो इसने बोला कि चाय पीने के लिए गए, और जब मैंने इससे पूछा तू नहीं गया तो तेरा आंसर क्या था? चाय बंद कर दी मैंने। चाय बंद, और चाय बंद करने से इसके पेट में क्या असर देखो दिख रहा है? पहले जो मेरे को गैस होता था, गैस एसिडिटी जो होता था, ठीक है वो अभी नहीं होता है। लेकिन देखो पेट जो है ना, पेट का काम है एसिडिटी बनाना, क्योंकि उसको खाना पचाना होता है ना, तो वहां पर गैसें बुलबुले पहले से ही होते हैं। हम काम ये कर सकते हैं कि वो कम हो, क्योंकि पेट एसिडिक ही होता है। गैस हो रहा मतलब ऐसा नहीं कि फैट नहीं आ रहा है, आता है लेकिन कम आता है। मैंने क्या डायलॉग मारा था उस दिन, अभी से मैं अपने हार्ट फैट और फाट तीनों का ख्याल रख रहा हूँ। कितनी चाय पिया तूने अभी तक? लास्ट 38 डेज में 2 बार। मैंने पिया ही नहीं, चाय ही नहीं पिया मैंने। चाय क्या होता, भूल गया तू। खाने पीने का टाइम टेबल जो ऊपर नीचे हुआ है ना, इससे थोड़ा बॉडी में फर्क तो पड़ता है यार। जैसे अभी उठ के काम करने का मन नहीं करेगा, खाना खाऊंगा फिर से थोड़ा सा आलसीपन आएगा, मेरी प्रोडक्टिविटी है ना वो थोड़ी खराब हो रही है। अगर मैं कोई ऐसा टाइम टेबल फिक्स कर लूँ ना कि जैसे रात में जागना ही हो जैसे रमजान में था तो भी ठीक है, लेकिन वो प्लान ही नहीं कर रहा हूँ ना रात को जागने वाला। रमजान का तो भी ठीक था कि तू समझ काम करके सो रहा है, 6:30-6 बजे सो जा रहा है, बट ये या तो 9-10 बजे जा रहे और नींद 8 घंटे का साइकिल पूरा नहीं हो रहा। दाल गोश है आज खाता हूँ, ज्यादा नहीं है ये, मेरे ख्याल से 150 ग्राम ही होगा ना। पानी दे देना, पानी ले लिया।
तो ऐसा है कि अभी हमें दिस इज बिजनेस मीटिंग करनी है, तो हम सोच रहे हैं कि बाहर वॉक करते करते करें, क्योंकि वैसे भी आज जिम नहीं है, तो वॉक कर लेंगे तो थोड़ा सही हो जाएगा ना। शफीक तो एक महीने से लगा हुआ है, गौरव जी को थोड़ा जरूरत है अभी। क्या बोलते गौरव जी, सही हो, फिट हो? नहीं लगता मुझे। हमारी सलीना को चलाने का बहुत मन है और एक मन है कि 3-4 घंटे की अच्छी खासी राइड करें, बट धूप है कि हमें बाहर निकलने नहीं दे रही है। क्या बोलते हैं, रत्नागिरी चले क्या? रत्नागिरी का प्लान कर सकते हैं, बट वही दिक्कत है कि गर्मी इतनी ज्यादा होगी वहाँ पर, और ये सामने से इतनी फ्रेश हवा आ रही है, मजा आ रहा है। सूरज भी डूबा है एकदम, आधा हो गया। नहीं डूबा नहीं, बादलों में छुपा हुआ है, सनसेट होने को है। अभी पब्लिक आई है सनसेट का मजा लेने के लिए, काफी बेहतर। बहुत लोग है भाई, जब हम आते हैं तो कोई होता नहीं है, बट अभी बहुत लोग है, ये टाइम पे रहता ही ना, हम ये टाइम पे आते ही नहीं है, कभी कभार आते हैं। ये देख कान साफ करने वाला आया, कान साफ करेगा क्या? देखो कान साफ करके देगा, तेरा कान डैमेज भी कर सकता है। ऐसा बोलते कि मैल अगर नहीं रहती तो ये लोग अलग से कुछ रखे रहते, डाल देते, बोलते थे भाई इतना मैल निकला। ऐसा भी होता है। स्कैम बम्बई नगरिया। गौरव जी, हाँ, जब से आप आए हो आपसे सवाल हमने पूछा नहीं है, हमारे चेहरे में कुछ फर्क दिख रहा है, बॉडी में कुछ फर्क दिख रहा है? पहले दिन ही देखा, तभी मैं इसको बोला कि भाई बॉडी में फर्क तो आया है, काफी दिन से हाँ। नहीं देखे, तो जब काफी दिन से लोग मिलते नहीं है और सडनली मिलते हैं तो उनको वो फर्क दिखता है? फर्क तो दिखा, दोनों में दिखा है, दोनों में। मैंने इससे पूछा कि भाई कैसे किया, क्या क्या। अरे अगर ये तो अपने एरिया में भी सब पटेली दे रहा है ना सबको, ये खाना कम खा, ये खा, अभी तो इसकी बात लोग सुनेंगे ना, क्योंकि इसने कुछ अचीव कर लिया है, हीरो बन रहा है एरिया में। सनसेट अब जागे हो रहा है सही एकदम। गौरव जी वहाँ बैठ गए, शफीक यहाँ पर, मैं यहाँ पर, हम बैठ के सनसेट देखेंगे और उसके साथ साथ थोड़ी काम की बातें करेंगे। बढ़िया हो गया सनसेट, हमारी सारी बातें भी खत्म हो गई। बातें तो खत्म हुई नहीं है, बातें तो बहुत कुछ है जो करनी है, बट आज का खत्म हो गया। कल जो हमने किया था ना उसका नतीजा ये है आज, पूरा ऐसे क्लूट जो है अपना, क्या बोलेंगे इसको, बम दुख रहा है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, याद है ना शफीक ये वाला चीज, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ल्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, द वर्ल्ड नहीं, द वर्ल्ड। किसी का दिल टूटा है आज यहाँ पर, चलते चलते कभी कभी हम ऐसे दिल टूटने की कहानियाँ भी देख लेते हैं, तो ऐसे बुरा लगता है कि किसी का जब दिल टूटता है तो, और दिल जुड़ते भी हैं, दिल के साथ साथ बहुत कुछ जुड़ जाता है यहाँ पर, ये ऐसी जगह है, बट अभी कम है, अभी पहले ऐसा नहीं है। क्या घर में क्या कांड चल रहा है? ये हिल गया। क्या हिल गया? अंदर का बल्ब। किसके अंदर का बल्ब? बाथरूम अंदर अंधेरा कर दिया पूरा। चक दिया सुगुरी, क्या दिखाए शेह, कभी भी बाथरूम नहीं दिखाने का। ओ ये यस WhatsApp buddies। Yes, आज मोहम्मद समीर खान फिर से एक प्रॉपर्टी देखने गए थे और पसंद आ गया। प्रॉपर्टी फिर से पसंद आई है, और ऐसे कितने प्रॉपर्टी पसंद आई है? पसंद बहुत आई है, कुछ ना कुछ इशू से मतलब वो रिजेक्ट हो रहा है, बट इस बार मेरे को लग रहा है परफेक्ट मैच हो रहा है। खोला था बटन, खोला था पटेली मारना। फैमिली को जो सूट होगा ना वो आज देखा, दिल गार्डन हो गया। चलो तो उसके ऊपर ही थोड़ा डिस्कशन करना है अभी, वो कर लेते, मिल जाएगा तो बल्ले बल्ले। ऐसा कौन सा घर है जो तेरे को पसंद नहीं? और जो मेरे को पसंद आया वो सबको पसंद आया। मेरे को एक घर पसंद आया था पेट्रोल पंप के पास वाला, वो मैंने सोचा था कि वो एक तो था, वो मेरे ख्याल से 1100 का एरिया, बड़ा एरिया था, 3 BHK भी था। हमने सोचा था कि अभी टेम्पररी, क्योंकि वहां पर लिफ्ट नहीं थी, तो मैंने ये सोचा था कि टेम्पररी मम्मी को शिफ्ट कर देंगे वहां पर 1 साल के लिए, उसके बाद में फिर दूसरा घर ले लेंगे ताकि मम्मी को वहां शिफ्ट कर दे, और वो जो घर है उसको हम अपना स्टूडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें स्टूडियो के लिए भी तो जगह चाहिए ना। हाँ, एक जो होगा वो पूरा, वो क्या बोलते हैं इसको, ब्रॉडकास्ट, पोस्टकार्ड। हाँ, पोस्टकार्ड क्या होगा उसको? हाँ, उसके लिए एक रूम पूरा सेटअप बना देंगे जहाँ पे लाइटिंग होगी, सारा चीज होगा। वो उसको पॉडकास्ट बोलते हैं, पॉडकास्ट हो, मेरे को लगा तू पोस्टकार्ड की बात कर रहा है। नहीं, उसका बैकग्राउंड रख के, सोफा वगैरह रख के, अभी वो हो गया, उसके ख्वाब नहीं देखना, वो घर अभी नहीं मिल रहा है, वही तो था ना वहाँ, फ्यूचर में करना तो है। हाँ, मतलब वो तो अपन करेंगे, पर ठीक है अभी बात कर लेते हैं। प्राइस बता, प्राइस क्या बोल रहे हैं? 3 के ऊपर ही, 3 करोड़। मैं अपने सब्सक्राइबर लोग के कमेंट पढ़ रहा था, वो लोग कह रहे थे कि भाई 3 करोड़ में हमारे यहाँ पर बंगला बन रहा है।
जिद हमारी ये है, जिद नहीं, जरूरत हमारी ये है कि हम माहिम में रहेंगे। नहीं, जरूरत नहीं है माहिम में रहने की, जिद है, जिद है कि माहिम में रहना, माहिम में रहना है, माहिम जिंदाबाद। इसीलिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन सेम यही रेट में अगर मैं पुणे की तरफ चले जाऊँ या लोनावला की तरफ, नवी मुंबई साइड में, 3 करोड़ में हम बहुत बड़ा प्रॉपर्टी ले सकते। 3 करोड़ सिर्फ 750 स्क्वायर फीट का रेट बता रहा हूँ आपको। मैं बताता हूँ, मैं जब प्रॉपर्टी बताएगा तो रुक जा, फिर लंबा हो जाएगा। मैं प्रॉपर्टी जब सर्च कर रहा था ना, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज आ रहे थे, जैसे लोनावला हो गया और भी बहुत सारे जगह है। तो लोनावला में एक फ्लैट था, फ्लैट नहीं बोलूंगा उसको, बंगला बोलूंगा, जो प्राइवेट पूल के साथ में था, गार्डन था, 6 BHK था और बहुत बड़ा लिविंग था। गेस करो कितने का हो सकता है? तो गेस कर लिया तू, बता। मैंने गेस कर लिया। क्या होगा? मेरे ख्याल से 3 करोड़। 1 करोड़ 80 लाख। अच्छा, देख रहे हैं, पहले मुंबई का सेट हो जाए, एक बार ये सेट हो गया ना, उसके बाद तो ऐसे एक फार्म हाउस टाइप तो लेना ही है, जहाँ पे हम लोग मंथली जाए, वहाँ पे 2-4 दिन, हाँ, वीकली जाए, ऐसा कुछ तो सीन करना ही है। लेकिन वही है कि एक बार ये वाला घर आ जाएगा ना, उसके बाद हर बगान में हम फूल उगाएंगे। सलमान चाचू के पास है ना? सलमान चाचू चाचू कैसे? सलमान खान चाचू, डैडी की उम्र के, चाचू डैडी की उम्र के, तो चाचा हुए ना। सलमान खान हमेशा भाई रहे, चाचू। अरे यार, फिर से मैं भूल गया, आज इसका पीयू से निकालना था मेरे को, ध्यान से निकल गया। कोई नहीं, आज हमने अपने गोप्रो में एक नई सेटिंग की है, मतलब एक नया एक्सपेरिमेंट है। यूजुअली जब भी मैं मोटर व्लॉग शूट करता हूँ तो वो हाइपर व्यू में करता हूँ, और हाइपर व्यू के लिए मेरे ख्याल से ना 4K कंपलसरी है। तो मेरा जब भी मैं मोटर व्लॉग करता हूँ, मेरा हार्ड ड्राइव फुल हो जाता है, क्योंकि 4K 60 FPS हाइपर व्यू, सोचो कितना बड़ा फाइल बनता है मेरा। सबसे ज़्यादा ये छोटा सा कैमरा फाइल बनाता है, मतलब वो जो 3-3.5 लाख कैमरा अपने पास पड़ा हुआ है, वो भी उतना GB नहीं बनाता है एक फुटेज में, जितना ये बनाता है। तो एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, इसको शूट कर रहे हैं 4:3 में, देखते हैं एंगल कैसा आता है। अगर एंगल बढ़िया आया तो बढ़िया है, नहीं बढ़िया आया तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बाकी अभी हम जा रहे हैं घर खाना खाने के लिए, और मुंबई में कोशिश कर ली हमने उठने की सुबह सुबह, 2 तरीके भी यूज़ कर लिए, काम कर नहीं रहा ये। अब एक होप बचा है कि ट्रैवल करते हैं, तो मैं तो सोच रहा था कि कल ही निकल जाते हैं ट्रैवल पे, लेकिन कल एक ब्रांड शूट करना है हमें। कमर्शियल पैसे, पैसे कैसे बनेंगे? एडसेंस से जो पैसे आते हैं वो तो आते ही हैं, ब्रांड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये ब्रांड्स ही हैं जिनके वजह से मैंने यूट्यूब को करियर बनाया है। रेस ट्रैक में क्या हाल है, फुल है, वही है, कल ब्रांड शूट करना है अपने को, उसके बाद फिर परसों के दिन निकल जाऊंगा मैं कहीं ना कहीं। तो अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और सोच रहा हूँ सारी टीम को लेके जाऊं, ताकि शेड्यूल भी ठीक हो जाए, और जो भी हमारा पेंडिंग काम है, मीटिंग वेटिंग वगैरह वगैरह जो भी करना है वो करना है, क्योंकि एक हफ्ते में ही हमें फुल फ्लेज होके वापस, जैसे हम कॉन्टेंट बनाते थे, जैसे चैलेंज लिया करते थे, वैसे ही वापस करना है। तो अभी वही अपना आरी को धार करने वाला फेज चल रहा है, फिर उसके बाद में 1 महीना लग जाएंगे कंटेंट क्रिएशन में, फिर उसके बाद में वापस बैठ के मीटिंग वीटिंग करेंगे, तो कल वो शूट हो जाए फटाफट। ब्रांड के साथ जब काम करते हैं ना, ब्रांड के वो दिखता है कि ब्रांड के साथ काम किया है, लेकिन भाई बिहाइंड द सीन्स बहुत तकलीफ होती है, बहुत सारे चेंजेस जो उन्होंने लिख के दिया है स्क्रिप्ट में, जो ब्रांडिंग करनी है, जो बात बोलनी है वो सेम टू सेम वैसी होनी चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं डाल सकते। बहुत सारे ब्रांड तो क्रिएटिव फ्रीडम भी नहीं देते हैं, बट ठीक है, ब्रांड्स आते रहना चाहिए ताकि हम पैसे कमाएं, और आप लोग के सपोर्ट चाहिए वैसे अगर कोई ब्रांडेड कंटेंट आते हैं तो। हेलो सूफी, इसको मत लगाओ, इसको मत लगाओ, हाँ ऐसे, दूसरा हाथ जो है उसको यहाँ रखो, या ओके ठीक है, उधर जा, उस तरफ जा। फाइनली सूफी कैमरा पकड़ना सीख गई, अब जूम करने के लिए इसकी उंगलियाँ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर जूम करवाएंगे। कर रही है, ट्राई कर रही है। वो वाला नहीं, दूसरा वाला है। खाने में है मोमो, सब खत्म हो गया, एक मोमो बचा के रखे, बैंड्रा का फेमस मोमो। जूम करना आ गया उसको, कहाँ से आया है? बैंड्रा लिंकिन। लेकिन मैं बोल रहा था कि घर में दाल गोश्त बनाया तो दाल गोश्त का एक अलग स्वाद आता है, तो ये खा के दाल गोश्त का स्वाद क्यों खराब हो? ये उतना ज्यादा नहीं है जिससे दाल गोश्त का स्वाद खराब हो। ठीक है, बढ़िया, और लाले चटपटा इसमें, इसमें तो मिक्स करके कॉम्बो में, ये क्या मेयोनीज हल्का। दादी को दिखाओ, दादी भी खाए, दादी को पूछो कैसा था। दादी कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये क्या है तुम्हारे नेल में? अरे ये क्या कर दिया तुमने है? अरे वाह, तो सुंदर दिख रहा है, दिखाओ। वाओ, इसमें कौन है? रिबन एक्सटेंशन और एक चीज है। क्या है? ये पांडा वाली चड्डी, सूफी की पिंक चड्डी। चाचू आपके लिए सरप्राइज, आपका जूता।
मेरा था कलरफुल वाला। अरे वाओ, आप पहन के देखो, कलर तो बहुत अच्छा ही है। ये किसकी चॉइस है? मेरी। वाओ, आपके लिए। मेरे लिए? मैं जूता पहनूं? मैं कैसे पहनूं, मेरा पैर भी नहीं आएगा उसमें। ये इसके साथ मैचिंग है। सूफी की भी शॉपिंग होती रहती है मेरी तरह थोड़ी थोड़ी। वॉक 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 करो, फैशन वॉक करके दिखाओ। जगह ही कम है यार, अपने को घर में भी जगह बड़ी करनी है। ठीक है, मैं खा लेता हूँ, दाल गोश्त बना हुआ है। बाय द वे मैच चल रहा है आज, वो चेन्नई का मैच है, चेन्नई और लखनऊ का मैच है। अभी टॉप पे कौन सी टीम है डैडी? राजस्थान नंबर 1, कोलकाता नंबर 2 और लखनऊ अभी जीतेगी थर्ड पे, नहीं तो फिर थर्ड पे चेन्नई। चेन्नई है ना, हरा के ये लखनऊ ऊपर आएगी। अपन कोलकाता, चेन्नई भी अपनी फेवरेट टीम है। कर बोल और बो जीत बोरे, कर बोल और बो रे जीत बोरे है, पहले का गाना था। क्या कर रहे हो? अरे वो लग गया था ना, वो तो अभी वो खराब हो गया। अरे सुखे ओ ओ ओ और अभी लग लगा, जोर से कौन दबाता है ये? चाची करना को खुजली करने वाला नाखून है। अबू ने गिरा दिया बे। लुक्स गुड। लाओ तुम्हारा नाखून लाओ। मैचिंग में। चलो मैं खा लेता हूँ बाबा। बूम। अबू आपने गिरा दिया। उठा 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 उठा। ऐसे मेरे पैर सोर कर रहे हैं ना, कोई भी खड्डा आ रहा है वो महसूस हो रहा है बम पे, हाथ पे। अभी रेगुलर जब होते रहेगा जिम वगैरह तो ये सब इतना नहीं होगा, बीच में वो जो गैप हो गया उस वजह से थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है मेरे अंदर ना। एक पता नहीं ये चीज़ अच्छी है या बुरी है कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि उसको बेस्ट तरीके से करूँ। मतलब उसमें बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकते हैं, अगर वो करूँगा तो फ्यूचर में क्या होगा, अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, सिक्के के दोनों पहलू, स्ट्रेंथ वीकनेस, शॉट एनालिसिस, ये सब चीज़ यू नो देखता हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है ये सब चीज़ देखने में समय लग जाता है, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि समय ज़्यादा लग जाता है, और जब समय ज़्यादा लग जाता है तब फिर वो काम रह जाता है। उसी तरह से काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो मैं शुरू किया हूँ और सोचा हूँ कि इतने टाइम में उसको ख़त्म करना है, लेकिन वो उतने टाइम में ख़त्म हो ही नहीं पाता है। मेरे अंदर वो इनबिल्ट है, कितना भी कर लूँ मेरे को थोड़ा तो परफेक्शन चाहिए। तो अभी मैंने समीर को बोला है कि देखो भाई, क्या है कि अभी नया बिल्डिंग हम लेंगे, वहाँ पर रहने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर सोसाइटी कैसे काम करती है, वहाँ के लोग कैसे, अपने को नहीं पता। अब हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, सारा पेमेंट वेमेंट हो गया, और उसके बाद पता चला कि सोसाइटी वाले सही नहीं है, आसपास के नेबर सही नहीं है, तो फिर कैसे रहेंगे, मतलब वो एक जेल जैसा हो जाएगा ना। तो अभी मैंने समीर को बोला है कि रहने के लिए जितने भी सवाल हैं वो सारे लिख ले, क्योंकि जब हम मीटिंग करेंगे तो ये सारे सवाल जो है वो शायद हो सकता है कि हमें याद ना आए। अब उसमें सवाल की जो लिस्ट है उसमें ये सवाल है कि मान लो हम अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं तो कितने रिलेटिव्स आ सकते हैं एक टाइम पे। अगर मान लो हमने ईद की पार्टी रखी है, ईद की पार्टी में हमने प्लान किया है कि कम से कम 20-25 लोग को बुलाना है, इनवाइट करना है, तो क्या हम अपने दोस्तों को बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते? अगर दोस्तों को बुला रहे तो पार्किंग है या नहीं है, मेंटेनेंस जो हम दे रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ कवर होगी हमारे घर के लिए, कि घर पे लीकेज होगा वो काम सोसाइटी करेगी या फिर वो काम हमें करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हम ये डील फाइनलाइज करेंगे तो ये सारे सोसाइटी से सवाल पूछेंगे। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो एकदम बेहतरीन तरीके से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पहले से तैयारी करना ज़्यादा सही है, सिर्फ ऐसे पैसे फेंकना हो कोई भी जगह घर लेना हो तो ले सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी जीने के लिए, रहने के लिए। आई फील कि ये सब चीज़ होनी चाहिए। खाना पीना हो गया, 12:37 रात के, और जैसे ही 12 बजते हैं ना, हर दिन मैं क्या करता हूँ कि सोने की तैयारी करने लग जाता हूँ। बिस्तर पर जाता हूँ, सोने की कोशिश करता हूँ, फिर नहीं होता है, फिर काम करने लग जाता हूँ, फिर वापस जाता हूँ सोने, फिर नींद नहीं आती तो वापस काम करने लग जाता हूँ। अभी वो नहीं करूँगा, मैं अभी सीधा काम करूँगा। नींद आई तो ठीक, नहीं आई तो भी ठीक, क्योंकि इलाज इसका ट्रैवल ही है, बाकी सब बढ़िया है। कहाँ जा रहे हो? पंछी नदियाँ पवन के झोंके। 6 BS हो गया, 6 BHK, 6 BSK, BSK, MSK, MSK डाल दे, BSK नहीं, कट 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 कट।